IPL 2023 का 22वां मैच कलकत्ता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, जिसमें कलकत्ता एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी, तभी सूर्य कुमार यादव ने 23 साल के ऋतिक शौकीन को बॉल थमाई और ऋतिक आते ही कलकत्ता के मुख्य दो विकेट ले गए, जिसमें नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर का विकेट शामिल था, जिससे कलकत्ता मात्र 185 रन ही बना पाई और जिससे मुंबई इंडियंस आसानी से मैच जीत लिया। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में ऋतिक शौकीन की संघर्ष की कहानी, की कैसे IPL तक का सफर तय किया। भारत के चमकते हुए युवा सितारे ऋतिक शौकीन का जन्म 14 अगस्त सन 2000 को दिल्ली के एक हिंदू परिवार में हुआ था। ऋतिक के पिता राकेश शौकीन दिल्ली में ही जॉब करते हैं। ऋतिक शौकीन का परिवार हमेशा से ऋतिक को क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट करता था। हालांकि ऋतिक ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत शौक के तौर पर की थी, लेकिन बाद में ऋतिक ने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पे लगा दी। ऋतिक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के DAV पब्लिक स्कूल से पूरी की है। ऋतिक ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में ही कर दी, जब वह गली के बच्चों के साथ शौक के तौर पर क्रिकेट खेला करते थे। जब ऋतिक 12 साल के हुए तब वो पहले से भी बेहतर क्रिकेट खेलने लगे। ऋतिक बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाया करते थे। धीरे धीरे उनका क्रिकेट का शौक बढ़ता गया। उनके शौक और टैलेंट को देखते हुए उनके पिता दिल्ली के सोमनेट क्रिकेट क्लब भेज दिया, जहाँ ऋतिक क्रिकेट प्रैक्टिस किया करते थे। जब ऋतिक के कोच ने ऋतिक को देखा तो बोला, तुम बल्लेबाजी से बेहतर गेंदबाजी कर लेते हो। इसीलिए ऋतिक ने अपने कोच के कहने पर गेंदबाजी में ज्यादा ध्यान देने लगे, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी किया करते थे। ऋतिक ने दिन रात मेहनत की, जिसके कारण उन्हें दिल्ली के तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया। ऋतिक ने अपनी लिस्ट एक क्रिकेट करियर की शुरुआत इंडिया के अंडर 23 टीम के साथ बांग्लादेश के खिलाफ 20 सितंबर 2019 को अपना लिस्ट ए मुकाबला खेला, जिसके बाद ऋतिक ने अपना पहला फर्स्ट क्लास क्रिकेट 20 दिसंबर 2022 को रणजी ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से अपना डेब्यू किया। ऋतिक डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद साल 2021 के IPL के मेगा ऑप्शन में ऋतिक ने अपना नाम दिया था, लेकिन उस साल ऋतिक सोल्ड चले गए थे, जिससे ऋतिक और उनका परिवार काफी ज्यादा दुखी हुआ था। लेकिन ऋतिक ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करी और IPL 2022 का मेगा ऑप्शन, जिसमें ऋतिक ने अपना दोबारा नाम दिया, लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस ने ऋतिक शौकीन को 20 लाख के बेस प्राइस में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिससे ऋतिक और उनके परिवार के आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। ऋतिक IPL 2022 में सिर्फ 5 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2 विकेट के साथ 115 रन बनाए थे और अपना ऑलराउंड प्रदर्शन दिए थे। फिर IPL 2023 में ऋतिक अभी सिर्फ 4 ही मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 विकेट हासिल किया है और बल्लेबाजी से भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। और आगे के मैचों में भी ऋतिक अगर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे तो जल्द ही टीम इंडिया में खेलते हुए हमें नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ऋतिक शौकीन की ये संघर्ष की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।